मोदी सरकार में हुए नागरिकता बिल संशोधन के बाद हर प्रदेश स्तर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं देर रात इंदौर में भी आला अधिकारियों ने बैठक कर शहर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर 3 घंटे तक चर्चा की। कलेक्टर लोकेश जाटव और एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने अधिकारियों को हर समुदाय के लोगों से मुलाकात का जनसंवाद करने के निर्देश दिए। वहीं शहर में कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर कलेक्टर द्वारा शहर में धारा 144 लागू की गई, जिसके तहत कोई भी धरना प्रदर्शन या जुलूस या रैली निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। बावजूद अगर किसी तरह का धरना प्रदर्शन या फिर जुलूस निकाला जाता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और समाज के लोगों से वेट कर बात कर उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुँचाने की भी बात कही गई। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगाह बनाए हुए हैं। वहीं खुफिया विभाग द्वारा भी हर समुदाय के बीच जानकारी जुटाकर नजर बनाए रखे हुए हैं। भी पुलिस, रेवेन्यू, नगर निगम यानी सारी रेगुलेटरी एजेंसी आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ कोऑर्डिनेशन से काम कर रही हैं और जिस गति से इंदौर जिले में कार्रवाई हुई है उससे स्पष्ट होता है कि इस तरह की स्थिति नहीं है। जो भी जानकारी मांगी जाती है समय पर दी जा रही है और लोगों ने अपने भी इंटरनल ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसको हम लोग लगातार जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं। आप देखिए जिस गति से हम लोगों ने भू माफिया से संबंधित लोगों या अनुमाफिया संबंधित लोगों के अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की है उससे स्पष्ट है कि जानकारी का आदान प्रदान में कोई समस्या नहीं। सर, निगम के कई अधिकारियों को सर जिस तरीके से नक्शा वगैरह का पास आउट होते हैं और कई चीज़ें तो उसमें क्या अधिकारियों के ऊपर कोई किसी है कि ये जो अभियान है ये अभी हम लोग फर्स्ट फेज में पूरे की पूरी तरह फोकस कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज माफिया है उनके बीच में। ये सभी जब ये कार्यवाही एक लॉजिकल कंक्लूजन तक हम लोग लेके जाएंगे उसके बाद जिन भी अधिकारियों की संख्या पाई जाएगी उसके अगेंस्ट में भी कार्यवाही। सर, कुछ माफियाओं को चिन्हित किया है, कुछ सूची बनी है कि इतने माफियाओं को कार्रवाई करना है? क्लीन के हम लोगों ने 5 हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स तय किए हैं जहाँ पर हम लोग इंटेंसिवली फोकस करके कार्रवाई कर रहे हैं। सूची ऐसा कोई फॉर्मल सूची नहीं होती है, एक इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम हम लोगों ने किया है और अलग अलग सोर्सेज से इनपुट किया है, इसके आधार पर जो नाम सामने आए हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई निरंतर जारी है। थैंक यू सर। समुदायों में अपनी बात रखने का जो माहौल चल रहा है उसको लेकर के पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त बैठक रखी गई थी, उसमें ये तय किया गया है कि सभी वर्गों से, सभी समुदायों से और जिस किसी भी समूह को अपनी बात रखनी हो तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से और व्यवस्थित रूप से ज्ञापन के माध्यम से किस प्रकार से ऊपर तक पहुँचाया जा सकता है उसको प्रशासन का सहयोग करेगा और इसके लिए हम सभी वर्गों से बात करने को तैयार हैं और सभी हमारे जो पुलिस और प्रशासन के संयुक्त जो हमारे जो अधिकारी हैं संयुक्त रूप से वो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से बात करेंगे और जिस किसी को भी अपनी बात रखनी है उसको व्यवस्थित रूप से कैसे प्रशासन कैसे अपडेट करेगा उसको लेकर के चर्चा की गई है और पूरी तरह से शांति और व्यवस्था और शहर में बनी रहे ये हमारा प्रयास रहेगा और सभी लोग इसमें अपनी बात विधिवत तरीके से रख सकते हैं और पूरे जो निर्देश है अभी फिलहाल 144 की धारा लगी हुई है जिसमें किसी भी तरह का जुलूस, धरना या प्रदर्शन या रैली इसकी अनुमति नहीं है, परंतु इसके बावजूद लोग किस तरह से अपनी बात पहुंचा सकते हैं उसको प्रशासन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है, किसी भी तरह का भड़काऊ मैसेज जिससे शांति व्यवस्था भंग हो परमिटेड नहीं है उसको वॉच किया जा रहा है, वो अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए उसको विशेष रूप से उसकी निगरानी रखी जा रही है और अपनी बात करने का हक सभी को है, प्रजातांत्रिक तरीके से व्यवस्थित रूप से उनकी बात ऊपर पहुँचाई गई।